हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो ये आपको मैं चर्च दिखा रहा हूँ, बहुत पुराना चर्च है, 150 साल करीब हो गए हैं। 1860 में बना था और ये मोस्ता में है, माल्टा में। और जो यहाँ पर नहीं आया है और माल्टा आने चाह रहा है, और अगर माल्टा विज़िट करो तो इस चर्च को आप ज़रूर ज़रूर देखिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से, देखिए कितना बड़ा चर्च है ये। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये फोर्थ लार्जेस्ट चर्च है पूरे वर्ल्ड में। ये देख सकते हैं आप कितने ऊपर है ये, और लोग बाग कुछ खड़े हैं ऊपर भी। बहुत बड़ा चर्च है ये, आपको मैं चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ। बहुत बड़ा चर्च है ये। और ये चर्च जो फेमस है, वो जो मेन रीज़न है वो वर्ल्ड वॉर 2 था। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो यहाँ पर 2 बॉम्ब गिराए गए थे, जर्मन बॉम्ब्स, और वो दोनों के दोनों बॉम्ब फटे नहीं थे उस समय। जो था लगभग मेरे ख्याल से 150-200-250 लोग थे उस समय, मास चल रहा था, और दोनों के दोनों बम अपने आप एक्सप्लोड नहीं हुए, और बाद में उनको लेटर जो है समुंदर में फेंक दिया गया। ये आप देख सकते हैं, आर्किटेक्ट का जवाब नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रखा चर्च को। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं तो आपके लिए फ्री है ये, और अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं, रेजिडेंट नहीं है, तो 5 यूरो की एंट्री है। तो उस टाइम जो है मास चल रहा था और दोनों में से कोई भी बॉम्ब फटा नहीं, तो इसे मोस्ता डोम बॉम्ब भी इस चर्च को जाना जाता है इस नाम से। ये मोस्ता में है और बहुत ही फेमस चर्च है ये, वर्ल्ड का सबसे फोर्थ लार्जेस्ट चर्च है ये, और काफ़ी पुराना चर्च है ये। तस्वीरें देखिए आप जीसस क्राइस्ट की, जो अत्याचार किया था लोगों ने, ये आप देख सकते हैं। कोई किंग बहुत पुराना, ये कैंडल्स पड़ी हुई है यहाँ पे, आप जला सकते हो और डोनेट कर सकते हो 1 यूरो, या जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपका मन है। लाइटर भी पड़ा हुआ है और कैंडल्स लगी हुई है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट है, बेसिकली मेनली टूरिस्ट दिखेगा आपको यहाँ पर। और समर स्टार्ट हो गया है माल्टा में, आपको पता ही।